हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा सडनली प्लान बना था ऋषिकेश आने का। ऋषिकेश का भी नहीं था इवन, मैं घर से निकल गई थी कि मुझे कहीं जाना है और मैं निकली। मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल मिलाया कि मुझे आज कहीं ना कहीं जाना है, मेरा मूड थोड़ा अजीब हो रखा है। तो हम लोगों ने रास्ते में प्लान बनाया कि हम लोग जिम कॉर्बेट जाएंगे, फिर हमने सोचा कि नैनीताल जाते हैं, फिर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो फिर हम ऋषिकेश की तरफ निकल चुके हैं। तो मैं जस्ट अभी रात के 2:15 बज रहे हैं अभी, और मैं यहाँ जिम अभी नैनीताल में ऋषिकेश पहुँच चुकी हूँ। और जस्ट अभी अभी मैंने चेक इन किया है, और मैं सुबह एक बारी मॉर्निंग में जाके बाहर का थोड़ा व्यू आपको दिखाऊंगी। बहुत ठंड है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट पोल्यूशन नहीं है दिल्ली वाला। तो आई एम सो हैप्पी कि चलो पोल्यूशन फ्री थोड़ा सा एरिया आ गया है और अच्छा लग रहा है। तो मैं जल्दी कनेक्ट करती हूँ आपको और सुबह मिलती हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आ गई हूँ ऋषिकेश। सुबह हो गई है और मैं जस्ट अभी टेरेस पे पहुँची हूँ। मैं आपको व्यूज़ दिखा देती हूँ यहाँ का। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं एकदम टॉप के साइड किसी एक होटल में मैंने स्टे किया है और यहाँ से पूरी हिल स्टेशन का नज़ारा मैं देख रही हूँ, नीचे का ही मैं देख रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, मेरे को बिल्कुल भूख नहीं है, बट यस, संगत बहुत फूडी है तो उनको अंदर जाके एक बार देखना है कि क्या खाना, कैसा खाना है यहाँ का। तो अब मैं अंदर जा रही हूँ और ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ जहाँ जहाँ जा रही हूँ, जैसे जैसे कर रही हूँ। थैंक यू, बाय गाइस। मैं आ गई हूँ बाहर की साइड, थोड़ा रोड साइड जो चाय वाले रहते हैं उनसे चाय पीने के लिए। और ये यहाँ के बड़े ही अच्छे दिख रहे हैं, कुल्लड़ों में इनकी चाय है और ये चाय वाले भैया हैं, इन्होंने गरम गरम चाय रख दी है मेरी और अंगद की। और अब मैं पी के देखती हूँ इनकी चाय कैसी है। मैंने होटल में चाय पी, वो बहुत ही गंदी थी, तो मैं बिल्कुल मन नहीं किया वहाँ पीने का। मज़ा आ गया है, बहुत स्वादिष्ट चाय बनाई भैया, बहुत अच्छी चाय बनाई है ये भैया है, इन्होंने बहुत ही अच्छी चाय बनाई है। और भैया जरा हेलो कर दो, मेरी व्लॉग बन रही है। भैया थोड़े बिजी हैं, अभी पैसे गिन रहे हैं वो, लेकिन वो अभी थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी दे देंगे मेरे को, क्या कैसे हैं। तो भैया कब से चाय बना रहे हो आप यहाँ पे? अभी पैसे गिन रहे हैं भैया। हाँ तो भैया कब से यहाँ पे हो, आपका ये कब से है यहाँ पे? साल भर हो गए हैं। तो बड़ी चाय बना रहे हो, पहले भी चाय बनाते थे या अभी बना रहे हो? चाय बनाते बनाते 20-22 साल हो गए। अरे रे 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 रे, तो भैया को यहाँ पे 20-22 साल हो गए चाय बनाते हुए, इसीलिए उनकी चाय बड़ी स्वादिष्ट है। तो गाइस आप भी जब भी कभी यहाँ पे आओ तो ये ऋषिकेश में इनका है नेगी ढाबा एंड फास्ट फूड के नाम से इनका है, लेकिन चाय इनकी बड़ी अच्छी है। अब बाकी मैंने इनका खाया नहीं, मुझे पता नहीं है, जब भी आओ इनकी चाय ज़रूर पीना। बाय। गणा कसुत्ता लागे से ये वही सब कितना हो रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ऋषिकेश आके। और अंगद भी मेरे साथ धीरे धीरे चल रहा है पीछे। चलो जी, तो हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। ये बंदा बैठा हुआ है ना, इसने हमें रात में होटल ढूंढवाने में हेल्प करी थी। ये वो स्कूटी पे जो घूमते रहते ना, होटल चाहिए होटल चाहिए, तो ये वही था। तो इसने अच्छा होटल हमें दिलवा दिया है, बहुत सस्ते रेट में। तो मैं तो कहती हूँ ऋषिकेश आओ तो पहले बार्गेनिंग करो होटल्स में भी, उसके बाद कहीं रुको। ओके, हम आ गए हैं अरजीत स्वीट शॉप के पास और इनकी बड़ी फेमस है यहाँ पे कचौरी और समोसे और मिठाई भी काफ़ी कुछ है। तो उन्होंने बना के दिया पत्ते पे कचौरी, तो लेट्स सी, ट्राई करते हैं कैसी है कैसी नहीं है, फिर आपको बताते हैं। देखो दोस्तों, ये मैं मिली हूँ यहाँ पे इन भैया से। इन भैया का दिनचर्या सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। हाँ तो भैया, ये स्टॉल कब से लगा रहे हो आप? 2 महीने से। और कितने बजे उठते हो सुबह? तो 4 बजे। 4 बजे उठते हो? और फिर ये कब तक रेडी हो जाता है आपका पूरा? 7 बजे तक। 7 बजे यहाँ पे लगा देते हो? और रात में कब तक रहते हैं? 11 बजे तक। तो इसका सामान उमान कौन लेके आता है? छोटा भाई लेके आता है। अरे वेरी गुड। और आप इसके अलावा भी कुछ करते हो? ना, अलोवा होटल में जॉब करते हैं। जॉब करते हो? हाँ। जॉब कब करते हो फिर बीच में? अलोवा 2 बजे से। और 2 बजे फिर कौन आ जाएगा यहाँ पे? छोटा भाई आएगा। भाई वाह। गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि मेहनत करने वाले लोगों की कमी नहीं है हमारे इंडिया में। तो ये भैया ने बहुत कुछ अपने स्टोर में रखा हुआ है, समोसे कचौरी और ये सब कुछ। और ये जो है सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ के पूरी तैयारी करते हैं, 2 बजे जॉब भी करते हैं।
पूरी दही और तो भाई बहुत मजा आ गया इनकी बात सुन के। अब मैं इनकी कचौरी खा रही हूँ, मैं इनकी आइटम और भी तैयार करूंगी, उसके बाद मैं आपको दोबारा ये देखो पत्ता इनका क्या जबरदस्त पत्ता लगाते हैं ये, मजा आ गया, वेरी नाइस। तो गाइज अब हम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से डायरेक्ट हम जाएंगे राफ्टिंग के लिए, क्योंकि राफ्टिंग में 2-3 घंटा लग जाता है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी चेकआउट कर रहे हैं ताकि आगे टाइम ना लगे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे 5-4 बजे तक का कुछ क्लास टाइम रहता है। तो हम अपने रूम को बाय बाय कह रहे हैं और दोबारा यहाँ पे आएंगे, अंगद भी रेडी हैं और मैं भी रेडी हूँ और हम निकल रहे हैं। और मैं कैसे लग रही हूँ गाइज आई डोंट नो, बट मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर राफ्टिंग। ओके बाय। चल रहे हैं और अंगद हमेशा बहुत लेट करते हैं, हम लिफ्ट में पहुंच गए हैं, जल्दी ग्राउंड फ्लोर आओ, क्योंकि राफ्टिंग वाले का फोन पे फोन आ रहा है कि हम लेट हैं। तो हम जल्दी से वहाँ पहुंच रहे हैं। और अब हो ये लिफ्ट क्यों चलती है, एट अ टाइम पर लिफ्ट क्यों चल रही है। हम लोग अब हमने हमारी गाड़ी को वहीं पर होटल की पार्किंग में ही खड़ी कर रखी है, क्योंकि वहाँ पर स्पेस की थोड़ी कमी थी। और अब हम चल रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पर चढ़ाई टाइप की है तो सांस फूल रही है, बट अच्छा लग रहा है, धूप बहुत है। और 1-2 मिनट में हम वहाँ पहुँचेंगे राफ्टिंग वाले के पास, क्योंकि उसने बोला है कि अगर मैं 1 बजे वाली में जाऊँगी तो मैं बहुत लेट हो जाऊँगी आते वक्त। तो मैं ये 12 बजे वाली राफ्टिंग करना चाह रही हूँ। और अंगद बहुत ही स्लो मोशन में चल रहे हैं, हम लोग पहुँच गए हैं। और ये है सामने, तो इसके पास मैं जा रही हूँ फटाफट। ओके तो गाइस ये भैया हमें राफ्टिंग से पहले ना ट्रिपलिंग करवा रहे हैं, हम बाइक पे हैं, एक्टिविटी नहीं करवा रहे। हाँ ये हमारी एक्टिविटी कह रहे हैं, बिना पैसों के तुम्हारे यही करवा देंगे। तो ये हमें बाइक पे स्कूटी पे लेके जा रहे हैं, राफ्टिंग यहाँ पे छोड़ते हैं। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि अंगद बीच में बैठा हुआ है मेरा सपोर्ट बन के, और भैया बड़ी तेज़ी से स्कूटी चला रहे हैं, और पता नहीं अब क्या भैया वीडियो बना रहे हैं, हाँ भैया वीडियो बना रहे हैं, मेरी शक्ल भी आनी चाहिए। ये स्कूटी चला रहे हैं और ये कह रहे हैं मेरी शक्ल भी आनी चाहिए, हाथ छोड़ के चला रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। ये भैया कह रहे हैं कि मुझे भी व्हाट्सएप पे सेंड करना, मैं इनको भी टैग कर दूंगी। भैया मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो आप मेरे, हाँ जी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज। तो ये हिल स्टेशन का मजा ये स्कूटी पे दिखा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो गाइज हम यहाँ पे चेक इन पॉइंट पे आ गए हैं, जहाँ पे चेक इन करना होता है अंदर जाने के लिए, एक पर्ची कटवानी होती है आई थिंक। तो यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स भी है और बहुत ही ऑसम वेदर है इस टाइम पे, ठंड के साथ साथ धूप और फुल हिल स्टेशन का जो हम मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड की पहाड़ियों में, वो गाने का मज़ा आ रहा है, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ में जिसका लागे से। तो अब वही चल रहा है, मज़ा आ रहा है। ये है वो भैया जो स्कूटी पे हमें दौड़ाते हुए लेके आए हैं, ये बड़े ही एक्साइटेड है हमें हमारे साथ वीडियो बनाने में, तो वेरी नाइस। हाँ भैया को शेयर भी करना है, मुझे बोल रहे हैं कि वीडियो मेरे को शेयर करना है, तो इनके साथ शेयर मुझे जरूर करना है। मास्कल में सकल नहीं दिख रही इसमें तो। लो जी लो, मेरे को सब जानते हैं, भैया को भी, भैया के बोलने में मैंने मास्क उतार दिया है, मुझे डर लगता है पुलिस वाले 2000 का चालान ना कर दे। ये कह रहे हैं कुछ नहीं करेंगे पुलिस वाले, हमारे यूपी और दिल्ली में तो भैया 2000 का चालान है, हमारे होते चालान करेंगे। अच्छा ओ ये भैया बोल रहे हैं हमारे होते भी चालान दिया तो फिर क्या, चलो दैट्स नाइस। तो गाइस मैंने यहाँ पे कैब में इनकी जीप में बैठ गई हूँ और अब हम जा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इसमें अंगद आगे बैठा है, अंगद एक बार हाय करना पीछे से। तो अंगद आगे बैठा हुआ है, अंगद अंगद सबसे आगे, मैं सबसे पीछे, तो फाइन। और अब निकल गए हैं हम लोग फाइनली, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सब इंजॉय कर रहे हैं, और बट अ गुड वेदर, यू कैन सी हेयर द फुल व्यू, बहुत ही सुंदर लग रहा है ऋषिकेश का ये नज़ारा, नीचे देख रहे हो आप, आई सो एक्साइटेड है ना। तो अब बहुत धूप है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। पूरी और
बना, तो मैं अपनी वीडियो अपने आप बना रही हूँ, इसको टैग कर दूंगी बस। और ये देख लो जी, देख लो देख लो देख लो। पहुँचेंगे, ये जो मैंने बाल शाल पाए थे बड़े अच्छे तरीके से, सारे उड़ चुके हैं, इनका भी जूड़ा बनने वाला है एक दो मिनट में। और ये यहाँ पे दो भाई लोग और बैठे हुए हैं मेरे साथ, ये जो कि हेलो कर रहे हैं, और आगे भी कुछ चार पांच छह लोग बैठे हुए हैं भाई पर। तो गाइस देखते हैं, मिलते हैं कि अब आगे क्या क्या होने वाला है। मेरा मेरी कोशिश है कि मैं ये जंपिंग राइडिंग भी मेरे को करनी है। अब मेरे को पता नहीं कि टाइमिंग कितना बचेगा कितना नहीं बचेगा, बट आई विल बी ट्राई। और राफ्टिंग के दौरान फिर एक बार कनेक्ट करूँगी, क्योंकि उसके बाद फ़ोन अंदर चले जाएंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पहुंच चुके हैं यहाँ पे, हम गाड़ी से उतर चुके हैं और अब राफ्टिंग के लिए रेडी हो रहे हैं, जाने की तैयारी है। ये हमारी राफ्ट है जिसमें हम जाएंगे, और ठीक है, अच्छा लग रहा है बहुत। जंपिंग जंपिंग के लिए और थोड़ा सा ये कम आता है। और जो है मेरे को लेना है हेलमेट वहाँ से, एक मिनट रुकना होगा। मास्क तो हटा ही सकते हैं हम ना, चलो जी मास्क तो ये मेरी हो गई है कैप, और मैंने जो है मेरे को ये नहीं आ रहा पहनना, बट ठीक है। ठीक है गाइस, आई एम रेडी, और वहाँ जाके मैं आपको फिर एक बार कनेक्ट करती हूँ। बाय गाइस, अब हम सब रेडी हैं यहाँ पे, अंगद भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, और ये हमारे भैया भी रेडी हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम यहाँ से अब नीचे उतर रहे हैं। अभी नीचे नीचे जा रही है, अब थोड़ा सा है पत्थर पत्थर टाइप है। बहुत अच्छा भी लग रहा है, स्लिप कर सकते हैं ना, धीरे धीरे चलते हैं। अंगद यहाँ थोड़ा धीरे आना प्लीज, सारे लोग आ रहे हैं। ओ गॉड, फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे, आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, सारे लोग आ रहे हैं इधर से। अंगद इज ऑल्सो रेडी, बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, सबको डर भी लगता है थोड़ा सा, बट अच्छा लग रहा है। वो ऊपर से देखो लोग कैसे आ रहे हैं, सारे आ चुके हैं, और ये देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। हम लोग रेडी हो रहे हैं सब इसमें बैठने के लिए, और अब ये भी सब रेडी हैं, हम भी रेडी हैं, बहुत बहुत जल्दी यहाँ बैठने वाले हैं। राइट, कोई मेरे साथ गया है क्या पहले? नो, मेरे को भी याद नहीं रहता यार। ठीक है, तो प्लीज क्लोज आ जाओ ताकि अच्छे से सुन सको, मेरा गला बैठा हुआ है। ठीक है, ज्यादा ही ठंडा हो गया था इसलिए हो गया। क्लोज आ जाओ, इस तरफ भी आ सकते हो आप लोग, राउंड में सब लोग साथ में ही चलेंगे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में।
गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वेलकम। जगह का नाम है शिवपुरी, जहाँ से हम लोग राफ्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। एंडिंग पॉइंट होगा एनआईएम ब्रिज नियर ऑफ लक्ष्मण झूला। ठीक है, कभी आपने राफ्टिंग की होगी तो शायद लक्ष्मण झूला ब्रिज भी क्रॉस किया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ब्रिज क्रॉस नहीं करेंगे, उससे पहले एंड कर देंगे। बीच में टोटल 9 रैपिड आते हैं। स्कॉल रैपिड जहाँ व्हाइट वाटर दिखता, बोट अप डाउन होती है। स्कॉल रैपिड वी हैव 2 मेजर रैपिड एंड 7 माइनर रैपिड। टोटल 9 रैपिड आएंगे जो कि हमने क्रॉस करने हैं, और उसी के लिए आप लोग आए हैं। ओके, सो राफ्ट का यह है फ्रंट साइड, जहाँ पे फ्रंट पे एक लॉन्ग रोप बंधी होती है, इसको फ्रंट साइड। ओके, सो बैक साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, प्रॉपर आउटसाइड बैठना होता है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, गाइड बैठता है बैक साइड में बोट को स्टीयरिंग करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए। आप लोग फ्रंट से बैठना स्टार्ट करते हो। तो कैसे बैठना होता है, फेस फ्रंट की तरफ करना होता है, लाइक दैट। प्रॉपर आउटसाइड बैठना होता है, फ्रंट वाले एक पैर इसमें लॉक करते हैं और एक पैर फ्री रहता है जो फ्रंट पे बैठते हैं। सेम आउटसाइड बैठना, एक पैर लॉक करना और एक पैर फ्री रखना है। सो नेक्स्ट वन, सेम सिट प्रॉपर आउटसाइड, वो अपने दोनों पैर लॉक करेंगे, फ्रंट में एक बैक में। फुट लॉक नहीं होगा गाइड, ओनली सपोर्टेबल होगा इसके नीचे और एक नीचे, जिससे कि आप फॉल आउट नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं। ओके, सेम आउटसाइड बैठेंगे, फुट लॉक करेंगे, प्रॉपर आउटसाइड बैठना है, देन फुट लॉक करना है। स्कल पैडल, इसके 3 पार्ट है, फर्स्ट टी, सेकंड सॉफ्ट, थर्ड वन ब्लेड। सो हाउ टू होल्ड, कम डाउन, पॉपिंग द टॉप, सेकंड ईयर ऑफ ब्लेड। सो होल्ड करेंगे सब लोग। जो लेफ्ट साइड बैठेंगे उनके राइट हैंड में पैडल का टी पार्ट होगा। सेम अपोजिट जो लेफ्ट साइड बैठेंगे उनके राइट साइड बैठेंगे उनके लेफ्ट हैंड में पैडल का टी पार्ट होगा। ओके, लिसन टू मी, राफ्टिंग स्टार्ट होने से एंड होने तक जब आप टी पार्ट होल्ड करोगे तो ऑल टाइम इसको होल्ड रखना है। ठीक है, सेकेंड हाथ ही आपका फ्री होगा। ओके, उससे आप हाई बाय वगैरह कुछ कर सकते हो। ये वाला टी वाला पार्ट ऑल टाइम होल्ड रखना है। ओके, सेकेंड आपने नियर ऑफ ब्लेड होल्ड करना, ज़्यादा आप पैड होल्ड नहीं करना, अदरवाइज पैडल नहीं होगा। सो नियर ऑफ ब्लेड होल्ड करोगे तो प्रॉपर पैडल होगा। क्लियर? सो ये हो गया होल्ड करने का तरीका। कुछ कमांड होती हो जो कि आपने फॉलो करने हैं। ओके, फर्स्ट कमांड होती है पैडल फॉरवर्ड, 90 डिग्री में आपने ब्लेड पार्ट डिप करना है, देन पुल करना फ्रंट टू बैक। सो लुक एट मी एवरीवन, स्ट्रेट 90 डिग्री। ठीक है, दोनों हाथ मेरे स्ट्रेट है, बॉडी इजी लीन कर रहा हूं, डिप कर रहा हूं। क्लियर? आप लोग पैडल पता कैसे पैडल होता है? ओके, सो ये बेवकूफों वाला पैडल है, कोई फायदा नहीं होगा, कोई यूज नहीं होगा। फिर गाइड कंप्लेन करते, यार लास्ट टाइम आया था तो बहुत पलट गई थी, और उस टाइम आया था तो उसकी चप्पल बह गई थी। यही होता है, राइट? तो यही रीजन होते हैं कि बोट के पलटने के और स्लीपर के मिस होने। ओके, सो लुक एट मी एवरीवन, सो प्रॉपर आप पैडल करोगे तो कितना भी बड़ा रैपिड हो, गाइड उसको इजी हिट करके क्रॉस कर जाए। सर बोट थोड़ा फ्रंट से होल्ड कर लेना, रस्सी पकड़ लेना भाई बोट की। तो ये है फॉरवर्ड पैडल, जिससे बोट आगे जाता है। सेकेंड कमांड होता है बैक पैडल, सेम अपोजिट बैक टू फ्रंट, इससे बोट पीछे जाता है। एंड थर्ड कमांड होता है स्टॉप, पुट इन थाई देन फॉल दी रोप। सो पैडल को टी पार्ट से ऑल टाइम होल्ड रखना है। जब आप स्टॉप में रोप होल्ड करोगे तो ट्राई करना जो पैडल है अंडर आर्म्स लॉक होनी चाहिए, लाइक दैट। ऐसे फ्री नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अनकम्फर्ट होगा। लाइक दैट होल्ड करना है सर पैडल। ठीक है, हमारे पास 2 मेजर रैपिड है। गेस गाइड को लगता है कि बोट रॉन्ग साइड जा रहा है, उस टाइम गाइड बोलेगा एवरीबॉडी गेट डाउन। सो एनी आइडिया आपने क्या करना है गेट डाउन में? ठीक है, तो इनसाइड आ जाना फ्लोर में, गोइंग करते टाइम जैसे ही बोलता है गाइड गेट डाउन, सो पुट इन थाई, होल्ड द रोप, देन कम इनसाइड। ओके, गेट डाउन, एवरीबॉडी गेट डाउन। ओके, लिसन टू मी, जो लोग डर रहे होते हैं, जैसे उनके माइंड में रहता है कि कब आए यार आवाज गेट डाउन की, मैंने अभी तक बोला नहीं, और जैसे गेट डाउन बोलते हैं अब क्या हुआ भाई, हो तो गया गेट डाउन, अब ये यहाँ से फ्री नहीं हो पाएगा। सपोज इस डायरेक्शन में इस बोट टपल हो जाता है तो भाई ऑलरेडी तो निकल नहीं पाएगा, अब तो हो गया उल्टा, अब उसका फेस पानी में और पैर ऊपर, वो वही फंसा रह जाएगा। ज्यादा स्मार्ट बनेगा वो ऐसा ही होगा। ओके, सो इट्स वेरी रॉन्ग, और ना गाइड आपको नीचे जाके देखने जाएगा कि कोई है कि नीचे, एक बोट में 8 से 9 लोग होते हैं। ठीक है, गाइड का काम होता है सबसे पहले उल्टी बोट पे चढ़ना, देन मेंबर काउंट करना 1 2 3 4 5 6, उसके बाद नीचे जाके चेक करेगा कि नीचे है कि नहीं। ओके, तो इट्स वेरी रॉन्ग। सो गेट डाउन कैसे होना है, इजी पैडल करते टाइम जैसे गेट डाउन बोला जाता है, चलता है बोझी रोप, हल्का सा बोझी बेट अपनी तरफ शिफ्ट करना। ठीक है, सेकंड चीज, आपने ऐसे रोप को ऐसे खींचना नहीं है, गेट डाउन मैं बच जाऊंगा इधर से, ओवर वेट दे रहो अपोजिट साइड, ऑलरेडी 4 मेंबर उधर बैठे होंगे, 4 और चले जाएंगे, टॉपल करने के लिए काफी इजी हो जाएगा। तो अपना वेट अपनी तरफ ही रखना, हेड ऊपर ही रखना है, छुपना भी नहीं है।
लुक एट दैट कि आप किधर जा रहे हो। गेट डाउन इसलिए बोला जाता है जो साइड से टाइड आती है इधर से हिट करती है, ठीक है। अगर आप बाहर बैठे हो तो फोर्स इतना तेज होता है कि यहाँ से हिट करेगी आपको, यहाँ से ऐसे बाहर कर देगी, ठीक है। इसलिए गेट डाउन बोला जाता है कि फोर्स यहाँ से हिट हो और वापस चली जाए और आप हिलो ना, अपनी जगह बैठ जाओ। इसलिए गेट डाउन बोला जाता है। जब गाइड बोलता है गेट बैक तो वापस अपनी जगह। सो मोस्टली 95% पैडल फॉरवर्ड और स्टॉप कमांड यूज होगा। तो लुक एट मी एवरीवन, पैडल फॉरवर्ड एंड स्टॉप पुट एंड थ्रस्ट देन होल्ड, यही दो कमांड यूज होगा, ये याद रखना आपने। फ्रंट टू बैक देन स्टॉप में पुट एंड थ्रस्ट देन होल्ड। अब सेफ्टी, इन केस किसी कंडीशन में हम में से कोई गिर जाता है सपोज, या बोट टपल हो जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ एडवेंचर, तभी भी आप सेफ रहोगे, ठीक है। फर्स्ट आपने ट्राई करना है इस रोप को होल्ड करने का, इसको लाइफ लाइन जो कि चारों तरफ बंधा होता है। अगर ये पकड़ में आता है ठीक है, नहीं आता आपके पास पैडल है, पैडल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है भाई, बहुत महंगा होता है यार, हमारी सैलरी से कट हो जाता है। रियलिटी यही होती है। ये फ्लोटेबल है, इसके साथ आप फ्लोट करोगे, ठीक है। इसको ऑल टाइम होल्ड रखना है। अगर आप बोट के पास में हो, थोड़ा दूर हो, तो दैट टाइम आपने पैडल का टी पार्ट पास करना फटाफट क्विकली, जो लेफ्ट साइड होंगे। इनकेस आप गिर जाते हो, अगर बोट के क्लोज हो तो होल्ड इट, अदरवाइज बोट से दूर चले जाते हो तो एक पैडल ही है जो आपके साथ पूरे टाइम ऑल टाइम रहेगा राफ्टिंग के दौरान, बाकी आपका कोई भी पार्टनर कोई भी काम नहीं आएगा। मैंने ऐसे ऐसे मोमेंट भी देखे हैं कि भाई हस्बैंड या वाइफ गिर गया, दूसरा बंदा पे अटना है, तो बता तो देख लेंगे भैया। भाई रियलिटी यही होती है, बंदा जब डूबने को होता है ना तो पता नहीं क्या क्या नहीं करता है, मेरा okay? साथ है, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो बचे हुए बंदे रहते ना फ्रीज हो जाते, सॉक्ड हो जाते, क्या हो गया, वो तो गिर गया, क्या करें, जाने दो जाने को, देखेंगे भैया, ठीक है। तो फ्रीज नहीं होना गाइस, इट्स एडवेंचर। सपोज वो पैडल पास करता है तो होल्ड इट, और ऐसा नहीं कि सारे के सारे आ गए भाई, होल्ड उसको, तो जिस साइड से गिरे उसी साइड से होल्ड करना है, रेस्क्यू करना है, ओके। सपोज किस्मत खराब हुई, उसने पैडल छोड़ दिया और दूर चला गया, भाई तो भी पैनिक नहीं होना है, ये जो जैकेट दी गई है 72 आवर्स तक फ्लोट करती है, ओके। नॉन स्विमर के माइंड में रहता है यार मुझे तो तैरना आता नहीं है, मैंने पैसे दे रखे भैया का काम ही करेंगे, भैया को 30 मिनट लग सकते हैं और 1 मिनट से ज्यादा ब्रीथिंग नहीं रोक सकते हो, ठीक है। उस टाइम पे आपने वाइट वाटर स्विमिंग पोजीशन मेंटेन करना, हल्का हाथ पर मूव करना है, जैकेट होल्ड करनी है, पैडल तो पैडल भी साथ में रखना है। सो लुक एट स्काई, फेस पानी में डीप नहीं करना लाइक दैट, अदरवाइज ब्रीथिंग नहीं होगी। सो लुक एट स्काई, हल्के हाथ पर मूव करते रहना, सब बैलेंस बनता रहेगा। स्विमिंग आती है सबको, लोगों को आती है, ठीक है, काफी कम लोग, ओके। डज नॉट मैटर स्विमिंग आती हो चाहे ना आती हो, फिर से क्लियर कर रहा हूँ, जैकेट 72 आवर्स तक फ्लोट करता है, ओके। स्विमिंग आती हो चाहे ना आती हो, ओके। मेरा लास्ट क्वेश्चन, सब मेडिकली फिट है, अस्थमा या हार्ट पेशेंट, कोई मेजर सर्जरी हो तो अभी बता दो राइट नाउ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिवर रन करेंगे, सेफ्टी फर्स्ट होगा मेरे लिए। सब फिट एंड फाइन, ओके। अभी आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कुछ ना समझ में आया हो। सेफ रहेगा सर, हमारे पास एक वाटर प्रूफ ड्राई बैग होता है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग सामान डालते हैं, ठीक है। तो पानी तो वैसे नहीं जाने के, अगर बीच में आप खोलते हो तो पानी के जाने के चांसेस होते हैं, अगर बीच में आप खोलते हो किसी रीजन से। तो ये यहाँ पे एक मैगी पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ गए हैं चाय पीने के लिए और मैगी खाने के लिए, और ये बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से, देखो लोग यहाँ आ गए हैं, ये अंदर है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, बहुत डर भी लगा एक बार ही बीच में, लेकिन जो भी अच्छा लगा मेरे को। तो फाइनली हमने ये एडवेंचर सब कर लिया है, बहुत मजा आया और बड़ा डर लगा, बहुत अच्छा लगा। और अब हम दोबारा गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ से अब आई डोंट नो हम होटल जाएंगे या मैं सोच रही हूँ कि वो कुछ और भी अगर एडवेंचर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। गाइस ये मैं हूँ, ये मेरे नए दोस्त हैं, और हम यहाँ बड़ी गए।